हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो, जिसमें मैं मेघा और मैं सौरभ लेके जाते हैं आपको बहुत सारे प्लेसेस। और आज हम लोग जाने वाले हैं आपको लेके एक रोड ट्रिप पर। यूरोप के बारे में आप जब भी सोचते हैं ना, तो रोड ट्रिप तो दिमाग में आती है। और मुझे और सौरभ को तो 10 साल हो गए यूरोप में रहते हुए, बट अभी भी जब भी हम रोड ट्रिप करते हैं ना, सो वी गेट इक्वली एक्साइटेड फॉर एनी रोड ट्रिप। और ये रोड ट्रिप तो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट लॉन्ग रोड ट्रिप फ्रॉम अवर इलेक्ट्रिक कार टेस्ला। ये हमारी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, तो जैसा भी एक्सपीरियंस होगा, अच्छा नहीं अच्छा जो भी होगा, वो सब आपको हमारे थ्रू पता चलेगा हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रिक रोड ट्रिप पे। और जब भी कोई इलेक्ट्रिक कार लेने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन के दिमाग में यही आता है कि क्या हम लोग ऐसे लॉन्ग रोड ट्रिप पर जा सकते हैं, कितना चार्जिंग का कॉस्ट लगेगा, क्या हमको चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे, कितना टाइम लगेगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। You will find out everything in this video. वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर हम ये रोड ट्रिप कर कहाँ रहे हैं, तो हम ये रोड ट्रिप करने वाले हैं एम्स्टरडैम, जहाँ पे हम रहते हैं, एंड ऑल द वे विल गो टू पेरिस फ्रांस। और ये टोटल डिस्टेंस है 500 किलोमीटर से ऊपर की रोड ट्रिप होने वाली है। सो नाउ इट्स टाइम टू गो, लेट्स गो एंड एंजॉय आवर रोड ट्रिप एडवेंचर विद आवर इलेक्ट्रिक कार टेस्ला। तो ये रही हमारी टेस्ला, और अभी गंदी हो रही है पूरी बाहर से, क्योंकि ऑल द वे ना सहारा डेजर्ट से स्टॉर्म आया था और पूरी कार गंदी हो गई। तो अब साफ़ करेंगे, बट अब सोच रहे रोड ट्रिप कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर पूरी कार को अच्छे से साफ़ करेंगे। वैसे ये है इलेक्ट्रिक चार्जर का स्टेशन, और वहाँ से हमने हमारी कार को चार्ज पे ऑलरेडी रात भर लगा दिया था। तो करंटली हमारी कार 95% चार्ज है। मैं अंदर बैठूंगी ना, तब भी आपको दिखाऊंगी, बट अब टाइम है चार्जर को बाहर निकालने का और कार को लोड करने का, ताकि स्टार्ट कर सके हमारी ये रोड ट्रिप। एक्साइटेड? आर यू गाइस एक्साइटेड? क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये कैसी होने वाली है हमारी ट्रिप। चलो अब निकालते हैं पहले इसको आउट। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर रोड ट्रिप, बट रोड ट्रिप से पहले देख तो लें आखिर कि डिस्टेंस कितना है और चार्जिंग कितनी बार करना पड़ेगा। सो हमें जाना है पेरिस में इस एड्रेस पे, यहाँ पे हमारा अपार्टमेंट है। और नाउ इट्स ट्राइंग टू कैलकुलेट। अगर आप सोच रहे हैं कि 93% क्यों हो गया, क्योंकि मैंने 95% बोला, तो हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया, इस कारण उसका थोड़ा सा बैटरी कम हो गया। सो यू सी इट कैलकुलेट्स कि हम 7 बजे पहुँचेंगे अराउंड, और फिर 4:45 पे, मतलब 3 hours 14 minutes पे, विच इज़ 274 किलोमीटर्स पे, हमको पहले सुपर चार्ज करना होगा सुपर चार्जर में जाके, और उसका एड्रेस भी दे दिया है। तो इस तरीके से हमें सुपर चार्जर पे जाना पड़ेगा, बीच में अपनी गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा। और कितना टाइम लगता है और कैसे हम चार्ज करते हैं वो तो आपको दिखाएंगे, बट पहुंच जाएंगे हम 7 बजे। अभी टाइम हो रहा है 1:30, तो अराउंड 7:30 तक वी विल रीच पेरिस। दैट इज़ व्हाट टेस्ला सेज। बट हम ऑफकोर्स बीच में एक दो ब्रेक्स तो लेंगे, एक तो चार्जिंग का ब्रेक, और हो सकता है एक और ब्रेक लें। वॉट एवर इट इज, यू विल गेट टू नो। हम क्रॉस कर रहे हैं रिवर और अंदर है टनल के, तो ये टनल है और ऊपर से रिवर जा रही है। डू यू सी इट ऑन द मैप? काफी बड़ी सी रिवर है। एंड वी आर जस्ट अबाउट टू कम आउटसाइड। अभी तक हम लोगों ने एक भी ब्रेक नहीं लिया है, कंटिन्यूसली गाड़ी चला रहे हैं। और अभी जस्ट 28 मिनट्स एग्जैक्ट में सुपर चार्जिंग का प्लेस आने वाला है, और उसके लिए टेस्ला ऑलरेडी अपनी गाड़ी को प्रिपेयर कर रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, उस पर लिखा हुआ आ रहा है कि नाउ इट्स 28 मिनट्स दूर एंड टेस्ला इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सुपर चार्जिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी गाड़ी फर्स्ट टाइम सुपर चार्जर से चार्ज होने वाली है, तो वो एक्सपीरियंस अलग ही होगा, क्योंकि अभी तक तो हम रात भर चार्ज करते थे। बट पहले दिखाती हूँ गाड़ी क्या कर रही है। आपको दिख रहा है या ऊपर लिखा हुआ आ रहा है? सी
pre-conditioning battery for fast charging. और अभी 28 minutes हैं और 21 kilometers दूर है हमारी, तो उतने पहले ही उसने उसको pre-conditioning करना शुरू कर दिया है. So, pre-conditioning यानी होता क्या है? Pre-conditioning में वो बैटरी को ऑप्टिमल टेम्परेचर पे लेके आ रहा है ताकि जैसे ही हम सुपर चार्जर पे लगाए ना तो वो फटाफट चार्ज हो जाए. अगर उस ऑप्टिमल टेम्परेचर पे नहीं लाएंगे तो वो आराम से चार्ज होगी. And that's what supercharger is all about. और इसलिए हमारी टेस्ला फटाफट उसको प्रिपेयर कर रही है ताकि फटाफट हमारी कार चार्ज हो जाए. And it was so sunny, but अभी एक क्लाउड आ गया है बाहर, so it's much better. Finally पहुंच गए हम लोग supercharger के यहाँ पर और इतने सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इधर भी हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 चार्जर है. ये है हमारी कार और एक और कार इस तरफ खड़ी है जो कि नेदरलैंड से ही आई है, तो वो भी चार्ज हो रही है. और एक इधर और टेस्ला कार, वो भी चार्ज हो रही है. और हम आए थे ना तब दो और थी, तो वो चार्ज करके चले भी गए हम लोग जब तक कार से बाहर देख ले. तो अब करते हैं हमारी कार को सुपर चार्ज एक बार और. मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने बताया था कि सुपर चार्जर कैसे यूज़ करते हैं, बट तब मैंने यूज़ नहीं किया था क्योंकि तब ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम हमारे घर के पास जो चार्जर है उसी से ही चार्ज कर लेते हैं. बट आज तो ज़रूरत है क्योंकि वी आर ऑन अ लॉन्ग रोड ट्रिप टू पेरिस. तो ओपन करते हैं अपने चार्जिंग पोर्ट को और वी कैन डू इट थ्रू ऐप, टेस्ला का ऐप है, एंड जस्ट सी द मैजिक. तो ये ओपन हो गया है और ये है, और इंस्ट्रक्शंस लिखे थे कि जब आप चार्ज कर रहे हो और अगर पॉसिबल हो तो गैप लेके चार्ज करें, मतलब इधर टेस्ला खड़ी हो और फिर इधर भी टेस्ला खड़ी हो तो थोड़ा दूर खड़े होकर टेस्ला को थोड़ा दूर खड़ा कर दें तब चार्ज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा. एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक आउट दिस चार्जर. और ये देख सकते हैं, तो इसका दो टाइप के हैं. सो दिस वन गोज़ फॉर आर टेस्ला, हमारी टेस्ला मॉडल ये गई. सो दिस इज गॉन. और चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि आखिर चार्जिंग कैसे हो रही है. बट ये लग गया है एंड विद इन 25 मिनट्स इट विल बी ऑल चार्ज्ड. आ गए हैं कार के अंदर एंड आप देख सकते हैं दिस इज द स्क्रीन. और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पैसे. तो अभी ऑलरेडी जैसे जैसे चार्ज होते जा रहे हैं वैसे वैसे ये देखिए यूरो बढ़ते जा रहे हैं. ये देखिए 1 euro 13 cents हो गए. और ये चार्जिंग भी बढ़ती जा रही है 35 से, देखिए 37-38% हो गया है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मिनट्स रिमेनिंग टू कंटिन्यू योर ट्रिप, ये भी बता रहा है वो. और कितने वॉट से आ रहा है, 133 किलो वॉट, और कितने उससे चार्ज हो रही है फटाफट. और चार्जिंग लिमिट हमने 95% सेट कर रखी है तो वो बता रहा है. सो दिस इज़ ऑल वॉट इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट इट. सो ये हो गया है 42% चार्ज और 2 euros 93 cents हो गए हैं. तो ये पैसे ये बढ़ते तो जा रहे हैं, बट अभी ये यूरोस हम पे कैसे करेंगे? जो टेस्ला का ऐप है ना उसी में क्रेडिट कार्ड का इन डिटेल्स दे रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे बैठे हुए कार में. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बोर होना है. दिस इज टेस्ला और टेस्ला में आपके एंटरटेनमेंट के लिए इतना बड़ा स्क्रीन आखिर लगाया ही किस लिए है? सो आप एंटरटेनमेंट ले सकते हैं, आप वॉच कर सकते हैं नेटफ्लिक्स, यूट्यूब. व्हाट डू यू वांट टू वॉच? यूट्यूब पे अपना वीडियो बैठ के देखे क्या? सो लेट्स सर्च आवर ओन चैनल, देसी कपल ऑन द गो, टेड टॉक, नॉर्वे, बहुत सारी चीज़ें आती है. बट अभी चल रहा है ट्यूलिप सीजन, सो आपने क्या हमारा वो वीडियो देखा है, देसी कपल ऑन द गो, ऑन द गो ट्यूलिप्स? या हैव यू सीन दिस वीडियो ऑफ आवर्स? तीन वीडियोज हैं हमारे वैसे. या हैव यू सीन दिस वीडियो ऑफ आवर्स? अमेजिंग शॉट राइट? ये वीडियो जरूर देखिएगा ट्यूलिप्स का, इट्स जस्ट ट्रीट टू आईज. हम वेट करते हैं, अपने वीडियो को एंजॉय करते हैं या कुछ नेटफ्लिक्स पे देखते हैं और इस टेस्ला को चार्ज होने देते हैं. जब चार्ज हो जाएगी तो तब बताएंगे कि 20 मिनट्स में ही चार्ज हुई या फिर और टाइम लगा. तब तक एंजॉय करते हैं आर ऑन स्क्रीन वीडियो.
ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं और हमारी गाड़ी 86% चार्ज हो गई है और यहाँ लिखा भी आने लगा है इनफ चार्ज टू कंटिन्यू ट्रिप. सो वी आर थिंकिंग कि नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर ट्रिप. और टोटल अमाउंट कितना लगा है, इट्स 18 यूरोज 7 सेंट्स और 87% हो गई अब तो चार्ज. तो बस अभी इसको निकालते हैं अपने उस पोर्ट पे से एंड लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी. तो यहीं से मैं स्टॉप चार्जिंग प्रेस कर देती हूँ. स्टॉप हो गया चार्जिंग और अब जाते हैं बाहर. यहीं से अनलॉक चार्जिंग पोर्ट, तो वो खुल गया होगा पीछे का. तो अब जाते हैं बाहर, निकालते हैं और लगा कर कंटिन्यू करते हैं जर्नी को. सो इसे निकाला, वापस लगाया. मैंने बताया ना ये दो पोर्ट्स हैं, तो हमारा वाला ये वाला पोर्ट है. टेस्ला मॉडल 3 है हमारी. और ये गया वापस अंदर. तो मॉडल 3 के लिए ये वाला पोर्ट चाहिए. और अभी टाइम हुआ है 5:43, तो अब तो शायद पहुँचते पहुँचते 9:00 हो जाएगा, क्योंकि एक और ब्रेक रहेंगे बीच में टू ईट समथिंग. ले रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, क्योंकि जैसे बताई था अब कुछ खाते हैं, चार्जिंग नहीं करना है. बट लेट्स ईट समथिंग. और अच्छी खुशबू आ रही है, फ्रांस में अच्छी खुशबू आ रही है, तो वो भी स्टेशन, फ्यूल स्टेशन पे. इसका मतलब है कि भूख लग रही है. बट चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, क्या खा सकते हैं. सो वेजिटेरियंस के लिए कुछ नहीं है फ्यूल स्टेशन पे. एक चीज़ है एक्चुअली, चीज़ के साथ ब्रेड, उसे टोस्ट ही कर देंगे, मतलब टोस्ट कर देंगे. बट उसके अंदर ब्लू चीज़ है और ब्लू चीज़ सबके बस की बात नहीं है. उसमें एक बहुत ही पिक्यूलियर सा है ना टेस्ट और स्मेल आता है, विच एटलीस्ट आई एंड सौरभ डोंट लाइक. तो हमने हमारे नॉर्मल से क्रोसॉन्स लिए हैं और एक चॉकलेट है, एक ये है और कॉफ़ी. तो दो यूरो, सब कुछ दो यूरो का था, तो 6 यूरोस का है. नाउ लेट्स ईट. डिनर हम वहीं करेंगे पेरिस पहुंच के. मैं खड़ी हूँ फ्यूल स्टेशन पे. खा लिया हम लोगों ने, वैसे कुछ खास मिला नहीं. बट देखा जाए तो हमने किया सुपर चार्ज हमारी टेस्ला को और वो इतना इनकन्वीनियंट नहीं हुआ, आराम से हमने कर लिया. और अगर अभी देखें तो डीजल हो या पेट्रोल, दोनों के चार्जेस कितने ज़्यादा हाई हो गए हैं. तो उसके कंपेरिजन में तो डेफिनेटली बिल्कुल भी इनकन्वीनियंट नहीं था. आराम से कार के अंदर बैठ के आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स या यूट्यूब, या जहाँ हमारा सुपर चार्जर था वो नोवोटेल होटल के अंदर था, तो आप होटल के अंदर वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, रेस्टोरेंट से वहाँ खाना खा सकते हैं. और नहीं तो हमारी तरह हमने वहाँ खाना नहीं खाया, जस्ट 10 किलोमीटर्स बाहर ही ये फ्यूल स्टेशन था. यहाँ हमने ऑफकोर्स फ्यूल नहीं भराया कुछ भी, बट यहाँ पर कुछ खा लिया. तो अब चलते हैं, थोड़ी थोड़ी ठंड भी बढ़ती जा रही है. विंडमिल देखा आपने मेरे पीछे, तो ये अब चलते हैं और अब डायरेक्ट मिलते हैं पेरिस में ही एंटर करते हुए. पार्किंग प्लेस है, वहाँ पे अपनी कार को पार्क करेंगे और वहीं मिलते हैं. कुछ होगा अलग तो ज़रूर दिखाएंगे, बट अब प्लान तो यही है कि डायरेक्ट पेरिस में अंदर एंट्री मारते हैं. लेट्स गो. पार्क कर दिया है और हम लोग पहुंच गए हैं पेरिस. इन पेरिस, लेट मी शो यू कितना अच्छा बिल्डिंग दिख रहा है ऑलरेडी. अच्छे से दिखाते हैं, पहले वो दिखाते हैं फिर आगे की बात बताते हैं. अपार्टमेंट में चेक इन कर लिया था हम लोगों ने और टाइम आपको पता है कितना हो गया है, 11:00. और भूख बहुत लग रहा है. लंच तो आपने देखा ही था हमने क्या किया है. तो फिर अभी अपार्टमेंट के जस्ट बाहर ही एक रेस्टोरेंट मिला, इटालियन रेस्टोरेंट, और वहाँ पे ऑर्डर कर दिया है क्योंकि अभी समझ नहीं आया कहाँ ढूंढे कहाँ. हाँ. करे जो मिला सामने पहले वहीं बैठ गए आज और दिखाते हैं आपको हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया है. यस. और वैसे तो 11:15 हो रहा है मगर स्टिल काफी भीड़ है. yeah. पेरिस में अभी, और आज तो वीकडे है तब ये हाल है. और हम लोग रह रहे हैं सेंटर ऑफ पेरिस में, सारा डिटेल देंगे आपको. बट अभी भूख लग रहा है और ऑलरेडी हमारा टेबल में आने लगा है खाना, तो देख के और भूख लग रहा है. लेट्स ईट. तो आ गया है हमारा डिनर. एक्चुअली में हम इटालियन इसलिए खा रहे हैं क्योंकि 11:30 हो गया और कोई रेस्टोरेंट में अब खाना मिलेगा नहीं,
तो पिज्ज़ा आ गया और पास्ता आ गया, जल्दी से खाते हैं, बहुत ही भूख लग रहा है। इतना सारा आया है, वैसे खा नहीं सकती मैं इतना सारा, बट स्टिल। बहुत भूख लग रही थी और नींद भी आ रही थी, थक गए थे और माइक भी बंद हो गया है। माइक बंद हो गया है, सुबह से चल रहा है माइक, तो माइक बंद है, अब आवाज कितना आ रहा है पता नहीं। बट हम कहाँ रुके हैं और हमारा अपार्टमेंट क्या है वो सब आपको देखना है, तो देखना होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो और वो जल्द आ जाएगा। बट अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये पेरिस की ट्रैवल सीरीज विल बी अमेजिंग। हम आपको बहुत सारे डिफरेंट और यूनिक प्लेसेस दिखाने वाले हैं, सो कीप ऑन वॉचिंग। और इंस्टाग्राम और फेसबुक का वो नाम भी डाल दिया है। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो सून, टिल देन बाय, वी आर इन पेरिस।